बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें सम या तो डिफरेंस हमें लेना है, सम या तो डिफरेंस। तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जब भी हम सम करेंगे या तो डिफरेंस लेंगे, तो वो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, जब भी हम इसका सम करें या तो डिफरेंस ले, तब सबसे पहले हमें देखना है हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं। हमें क्या देखना है? हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो हमें देखना है। तो बच्चों मान लो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो है यहाँ पे लेंथ एल वन 3.75 मीटर, फिर लेंथ एल टू 2.258 मीटर, फिर लेंथ एल थ्री वो है 4.1 मीटर। यहां पे आप देखोगे मेरे पास तीन ऑब्जर्वेशन है। सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे आपको जो दिख रहे हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे 1, 2, 3 है, यहां पे 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट है, यहां पे 1 और 2 सिग्निफिकेंट है। तो बच्चों यहां पे तीन लेंथ यहां पे आपको दिख रही है, थ्री लेंथ L1, L2, L3। तो हमें इसका टोटल करना है। तो आप तो तुरंत बोलोगे सर इसमें तो ये तो बहुत ही इजी है, टोटल करने में क्या प्रॉब्लम है। मैं यहां पे देखूंगा ये 8 होगा, यहां पे देखूंगा 5 और 5 मिलके ये 0, फिर 1 यहां पे आएगा 7 प्लस 1 8 9 10 और ये 11 होगा, फिर ये 1 यहां पे जाएगा ऊपर, ये 1 यहां पे जाएगा और 3 प्लस 1 4 5 6 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका सम करना है, इसका टोटल करना है, तो वो तो बहुत ही इजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमसे तो ये तुरंत हो जाएगा। देखो हमने ये टोटल कर लिया। तो बच्चों होगा क्या, देखो जब भी आपको टोटल करना है यहां पे, जब भी आप टोटल करोगे, जब भी आप इस तरह का टोटल करोगे, तब यहां पे ये जो खाली जगह है वहां पे आपने 0 एज्यूम कर लिया होगा, फिर यहां पे 2 खाली जगह है, ये दोनों जगह पे आपने 0 एज्यूम कर लिया होगा। लेकिन बच्चों थोड़ी देर के लिए सोचो कि यहां पे जो आपने 0 एज्यूम किया है वो आपको किसी ने बोला था क्या कि भाई ये जगह पे 0 एज्यूम करो, ये जगह खाली है वहां पे 0 एज्यूम करो, ये आपको किसी ने बोला था क्या? नहीं बोला था। तो फिर आपने ये 0 कैसे एज्यूम कर लिया? ये तो गलत बात हुई, क्योंकि ये जगह खाली ही थी, ये जगह खाली है, ये जगह भी खाली है। यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पॉइंट आफ्टर पॉइंट यहां पे 1, 2, 3 3 डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो बच्चों आप सोचो यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहां पे पॉइंट के बाद 2 है, तो ये तीसरी प्लेस खाली है और वहां पे आपने 0 एज्यूम कर लिया। आपको मालूम नहीं है आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, आपका इंस्ट्रूमेंट जिससे आपने लेंथ L1 का मेजरमेंट किया, वो आपका इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद 2 डिजिट का मेजरमेंट कर रहा है, लेकिन ये तीसरे डिजिट का मेजरमेंट वो नहीं कर रहा है। तो तीसरे डिजिट का मेजरमेंट नहीं कर रहा है तो यहां 0 ही होगा, ऐसा फिक्स थोड़ा ही है, यहां पे तो कुछ भी हो सकता है, 6 8 9 कुछ भी। उसी तरह से लेंथ L2 दूसरी लेंथ का जो मेजरमेंट किया, दूसरी लेंथ का, उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक का मेजरमेंट कर सकता है। तो आपने पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखे, फिर ये जो लेंथ L3 का मेजरमेंट किया, L3 का मेजरमेंट, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट का मेजरमेंट कर सकता है, बाकी के 2 डिजिट का मेजरमेंट वो नहीं कर सकता है। तो फिर इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ 0 0 ही होंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट 0
नहीं ले सकते हो बच्चों। तो जब भी हमें यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर में सम करने के लिए बोले तो हमें क्या करना है, देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहे हैं। यहां पे जैसे मैंने बताया, यहां पे 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट है, यहां 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट है, यहां 1 और 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बच्चों जैसे ही आप यहां पे टोटल करना चाहोगे, यहां पे आप टोटल करोगे तो टोटल की मेथड क्या होगी, क्या आप आंसर में कहां तक कितना लिखोगे, आंसर में आप कितना लिखोगे वो भी आपको देखना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पे क्या होगा, आपने यहां पे वैसे जीरो लेके टोटल तो कर दिया, लेकिन याद रखना जब भी इसका आंसर लिखना हो, जब भी इसके टोटल का आंसर लिखना हो, तब आप क्या करोगे, यहां पे पॉइंट के बाद जिसका लिस्ट नंबर है उसको ढूंढोगे। यहां पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट, यहां पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट, यहां पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट, यस ये 1 पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो जो आंसर आएगा बच्चों उसमें पॉइंट के बाद एक ही लिखना होगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट, दूसरे दो को निकाल दोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 10.1 मीटर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। यहां पे पॉइंट के बाद जो लिस्ट नंबर है वो आप ढूंढो, यहां पॉइंट के बाद 2, यहां पॉइंट के बाद 3, यहां पॉइंट के बाद 1, तो आपके आंसर में जो लिस्ट नंबर है पॉइंट के बाद 1, तो आपको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिखना है। इस तरह से सम होगा, जब भी आप सम करने के लिए बैठो तो इस तरह से सम होगा। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, चलो सम का दूसरा एग्जांपल मान लो, यहां पे लेंथ L1, लेंथ L1 जो है, या तो टाइम ले लेते हैं, चलो टाइम T1 टाइम है 5.22 सेकेंड, फिर T2 टाइम जो है वो है ये है 6.321 सेकेंड, और T3 जो टाइम है वो है 8.1 सेकेंड। अब इसका टोटल करना है, जब इसका टोटल करोगे बच्चों तब आप तो यहां पे क्या देखोगे, यहां पे आप जीरो एज्यूम कर लोगे, यहां जीरो एज्यूम कर लोगे, फिर आप टोटल तो तुरंत लगा दोगे कि यहां पे 1 होगा, यहां पे 2 और 2 4 होगा, यहां पे 3 + 2 5 + 1 6 होगा, यहां पे आप देखोगे तो 8 + 6 14 14 + 5 तो ये हो जाएगा 19। तो आप तुरंत ऐसा बोलोगे कि सर 19.641 सेकेंड है हमारा आंसर, लेकिन बच्चों आपका फाइनल आंसर ये नहीं होगा, आपका फाइनल आंसर ढूंढना है तो पॉइंट के बाद, यहां पॉइंट के बाद 2 है, ये जीरो निकाल दो, जीरो तो मैंने अभी लिखा था, जीरो निकाल दो, ये भी जीरो निकाल दो, यहां पॉइंट के बाद 2 है, यहां पॉइंट के बाद 3 है, और यहां पॉइंट के बाद 1 है, तो पॉइंट के बाद जो लीस्ट नंबर है छोटा वो ही यहां पे रखना है, तो पॉइंट के बाद यहां 1 है, तो यहां पे मैं 19.1 ही डिजिट लिखूंगा। पीछे तो वेरिएशन हो सकता है, यहां वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन मैं 19.6 बस इतना ही लिखूंगा, 19.6। पॉइंट के बाद जो लीस्ट नंबर है बच्चों छोटे नंबर वो आपको ढूंढने हैं, तो पॉइंट के बाद यहां पे लिस्ट नंबर है 1। उसी तरह से मान लो माइनस करना है आपको, जैसे सम और डिफरेंस दोनों में मान लो माइनस करना है, मैं माइनस की एक मेथड आपको बता दूं, चलो ध्यान रखना बच्चों, यहां पे मैं आपको एक माइनस करके बता रहा हूं। मान लो यहां पे है मास m1 19.6455 kg और मास 2 वो है मान लो 10.27 kg,
यहां पे आपको डिफरेंस लेना है, माइनस करना है। तो माइनस करोगे बच्चों तो आप क्या करोगे, यहां पे आप यहां पे 5 का 5 लिख दोगे नीचे, यहां पे 0 ही लिखोगे सोच के, यहां पे आप सोच के क्या करोगे 0 ही लिखोगे, यहां पे सोच के आप 0 ही लिखोगे बच्चों। तो बच्चों यहां पे ये जो है 5 नीचे तुरंत आ जाएगा, फिर बच्चों ये 14, यहां 14 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा, यहां 5 होगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा पॉइंट, ये 19 - 10 तो 9 आ जाएगा। तो बच्चों आप सोचोगे कि मेरा आंसर तो 9.375 आया, 9.375। तो बच्चों याद रखना यहां पे जो आंसर होगा वो आपका आंसर जो आपको मिलेगा फाइनल आंसर, वो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, लिस्ट नंबर, पॉइंट के बाद लिस्ट नंबर कितने हैं वो आपको देखने हैं। तो बच्चों पॉइंट के बाद लिस्ट तो 2 है, पॉइंट के बाद लिस्ट नंबर 2 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9.37। हमारा जो यहां पे आंसर आएगा 9.37 आएगा। तो बच्चों यहां पे देखो ये जो मैं आपको मेथड दिखा रहा हूं प्लस करने की माइनस करने की, ये जो मेथड मैं आपको जो दिखा रहा हूं बच्चों वो आपको एग्जैक्ट याद रखनी होगी, वरना सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि आपका बहुत टाइम से आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखने हैं सर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखने हैं, आप बहुत बार पूछते हो आपके मैथ्स के टीचर को या साइंस के टीचर को कि सर पॉइंट के बाद हमें कितना लिखना है। तो यहाँ पे एक आंसर आपको मिल गया, यूनिवर्सल आंसर, कि भाई पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट लिखने हैं। तो यहाँ पे लिस्ट कौन है, लिस्ट छोटा सा तो 2 ही है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 2 डिजिट तक ही रहेगा, 2 डिजिट तक ही रहेगा, पीछे का आप नहीं लिखोगे। तो उसी तरह से जो लिस्ट नंबर होगा, लिस्ट नंबर बस वो आपको देखना है। ये यहां पे सम और डिफरेंस लेने की मेथड है, ये क्या है, यहां पे सम और डिफरेंस लेने की मेथड देख लो बच्चों, सम और डिफरेंस लेने की मेथड मैंने आपको बताई, ये है सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ भी यहां पे कुछ भी देखो आप कहीं भी सम करोगे, ये पॉइंट वाले सम्स हुए, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखने हैं वही हमारा मेन क्वेश्चन होता है। मान लो इस तरह का सम मैंने दिया, इस तरह का सम मैंने दिया 5986 प्लस 195, तो इसमें तो पॉइंट ही नहीं आया, इसमें तो कहीं पॉइंट ही नहीं है। तो जितने नंबर आपको दिख रहे हैं उसका टोटल करना है, वही फाइनल आंसर। उसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं है बच्चों, हमें यहां पे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना यहां पे टोटल आएगा वो आपको लिख देना है, यहां पे पॉइंट ही नहीं है। तो ये हमारा सिंपल वाला सम हुआ, उसमें ये कुछ सोचना नहीं है। या तो यहां पे देखो 9876 - 685, तो ये माइनस करोगे, यहां कहीं पॉइंट ही नहीं है, तो ये सब कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर। लेकिन जब पॉइंट में ऑब्जर्वेशंस आते हैं, इस तरह के ऑब्जर्वेशन जब पॉइंट में आते हैं, तो आप ये आंसर लिख के आओगे तो ये आंसर आपका गलत होगा, आपको ये आंसर देना है। उसी तरह से आपका फाइनल आंसर ये आएगा लेकिन लिखना ये है, उसी तरह से यहां फाइनल आंसर ये आएगा लेकिन लिखना ये है। तो ये सम और डिफरेंस लेने की यहां पे मैंने मेथड आपको सिखा दी। उसी तरह से मान लो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, यहां पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, मैं आपको यह सिखा दूं प्रोडक्ट एंड डिवीजन। चलो बच्चों अब मान लो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन,
चीज का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट एंड डिवीजन अगर आपको सीखना है तो क्या रूल है, देखो क्या रूल है, ध्यान रखना। मान लो यहां पे लेंथ, लेंथ लिखी है 3.976 मीटर और विड्थ लिखी है 2.67 मीटर। तो बच्चों यहां लेंथ है 3.976 मीटर, विड्थ है 2.67 मीटर, दोनों के अंदर पॉइंट आ रहा है। तो ये आप सिग्निफिकेंट जब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, मुझे एरिया ढूंढना है, मुझे ढूंढना है एरिया। तो जब मैं लेंथ इंटू विड्थ करूंगा तो यहां पे 3.976 इंटू 2.67 मैं इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करूंगा दोनों का, दोनों का जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करूंगा 3.976 एंड 2.67 यहां पे मल्टीप्लीकेशन जैसे ही होगा बच्चों, आंसर जो है इसका आंसर वो कितने डिजिट में आएगा देखो मैं अभी आपको बताऊं। इसका मल्टीप्लीकेशन जैसे ही करोगे तो 3.976 इंटू 2.67 करोगे तो 10.61592 आंसर आएगा, 10.61592 इस तरह से आंसर आएगा। जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे यहां पे मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चों 3.976 इंटू 2.67 तो यहां पे 10.61592 ये आंसर आएगा। देखो बच्चों ये आंसर आपको दिखेगा 10.61592। अब क्या करना है, अब आपको ढूंढना है कि यहां पे लिस्ट नंबर, टोटल लिस्ट कितने हैं, पॉइंट के बाद वाले नहीं, आगे हम क्या ढूंढते थे सम और डिफरेंस में, पॉइंट के बाद कितने लिस्ट है, यहां पे टोटल लिस्ट क्या है, यहां पे 1 2 3 4 चार सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बच्चों क्या होगा पता है, यहां पे आपको क्या करना होगा, टोटल नंबर देखने होंगे। तो ये पॉइंट वाला है, ये पूरा सिग्निफिकेंट है, ये भी पॉइंट वाला यहां दिख रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो बच्चों जब भी आप ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और इस तरह का आंसर आए तो बच्चों यहां पे 3 लिखा है, 3 1 2 3 टोटल गिनना है, पॉइंट के बाद नहीं, अब टोटल आपको गिनना है। तो 1 2 3 है, यहां 4 है, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट ही रखेंगे हम, ये जो लिस्ट नंबर है, तो हम यहां पे लिखेंगे 10.6 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। यहां पे 3 है तो यहां पे 3 डिजिट तक ही हम लिखेंगे। ये हमने यहां पे किया है प्रोडक्ट, यहां पे हमने किया है प्रोडक्ट मींस दो चीज का मल्टीप्लीकेशन किया है, तो आंसर लिखेंगे 10.6, बस इतना ही। यहां पे टोटल लिस्ट नंबर देखने हैं, टोटल, तो लेंथ में टोटल क्या है, टोटल सिग्निफिकेंट क्या है, 4। यहां पे विड्थ में क्या है, 3, तो 4 और 3 में छोटा कौन है, 3, तो आंसर आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट हम लिखेंगे। फिर तो आप सोचोगे सर यहां पे अगर सिंपल मल्टीप्लीकेशन हुआ, सिंपल मल्टीप्लीकेशन 950 इंटू 25 इस तरह से हुआ, तो बच्चों इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा जैसा आएगा वैसे का वैसा ही लिखोगे, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो इसमें आपको नहीं सोचना है कि इसमें हम क्या करेंगे, 950 × 25 होगा 23,750 ये होगा। तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यार दो ही है तो मैं दो ही डिजिट लिखूं, ये क्या है, पॉइंट विदाउट पॉइंट वाले हैं। तो इसमें तो जैसे हम सिंपल करते हैं वैसे ही होगा, इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा मत सोचना कि इसमें लिस्ट 2 है, इसमें ये 3 है, तो
तो यहाँ 2 है तो मैं सिर्फ 23 लिखूं, यहां पे वो अप्लाई नहीं होगा, ऐसा मत सोचना आप। ये जो है वो इस तरह के पॉइंट वाले मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई होता है। उसी तरह से बच्चों, उसी तरह से डिवीजन की बात करूं मैं, डिवीजन में तो डिवीजन में मास है, मान लो डिवीजन में मास यहां पे 100.97, 100.97 है यहां पे डिवीजन के अंदर। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम है 20 पॉइंट, यहां पे 100.978 मान लो इतने किलोग्राम, और वॉल्यूम जो है यहां पे वॉल्यूम वो है 20.6 मीटर क्यूब। तो आपको ढूंढना है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ढूंढना है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे 100 डिवाइड बाय 900.978 डिवाइड बाय 20.6। तो बच्चों इसमें सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट है यहां पे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पे। आप देख सकते हो एक जगह पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक जगह पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमने क्या किया, 100.978 डिवाइड बाय 20.6, तो हमें जो इसका आंसर मिलेगा बच्चों, मैं आपको करके बताऊं, 100.978 डिवाइड बाय 20.6, तो 4.9018 आपको मिलेगा, 4.9018। आपको आंसर मिलेगा 4.9018। इस तरह से वो आगे जा रहा है, वो आंसर आगे जा रहा है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होगा। लेकिन देखो बच्चों, इसमें 6 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, 3। तो बच्चों आपको 3 डिजिट लेने हैं, 3 तक, आपको 3 डिजिट तक जाना है। तो यहां पे 3 डिजिट क्या होगा, 1 2 और 3, तो आपको 3 डिजिट तक जाना है। तो आपका फाइनल आंसर 4.90 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बस यहां तक आपको जाना है। जितना लिस्ट है टोटल छोटा लिस्ट,
देख लो बच्चों, अगर आपको एक सम इस तरह से दिया हुआ है कि कोई एक स्पीयर है, वो स्पीयर का डायमीटर, ये जो स्पीयर है वो स्पीयर का डायमीटर, ये आप इसको डायमीटर बोलते हो, ये स्पीयर का जो डायमीटर है डी, वो है 2.24 मीटर। ये स्फीयर का डायमीटर है 2.24 मीटर, तो आपको इसका एरिया ढूंढना है। आपको वो लोग पूछेंगे कि भाई इसका एरिया बताओ हमें, तो ये जो स्फीयर है उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का एरिया। अब क्या होगा बच्चों, यहां पे आप वैल्यू पुटअप करोगे, ये 4, ये पाई की वैल्यू तो 3.14 जो होती है वो, फिर जो आर होता है, आर वो है यहां पे डी बाई टू है, डायमीटर बाई टू वो रेडियस हो जाती है, तो उसका स्क्वायर, तो यहां पे 4 × 3.14 × डायमीटर है 2.24 बाई 2, और इसका स्क्वायर हुआ, देखो बच्चों। तो बच्चों एक चीज याद रखना, यहां पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है उसमें 4 और 2, 4 और 2 ये दोनों डिफाइनेट नंबर है। डिफाइनेट मीन्स फिक्स नंबर, 4 फिक्स नंबर है, 2 फिक्स नंबर है, तो आपको ये ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है। तो जो डिफाइनेट नंबर आते हैं, डिफाइनेट नंबर कि यहां पे वो फिक्स है, वो ध्यान में नहीं लेने हैं। आपको यहां पे देखना होगा डायमीटर में 3 सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट है डायमीटर में, 3 सिग्निफिकेंट है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा बच्चों, वो आंसर यहां पे होगा, एक मिनट यहां पे मैं आपको सोल्व करके बताता हूं, वेट करना, मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। ये पूरा यहां पे 2.24 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1.12, 1.12 इंटू 1.12 क्योंकि स्क्वायर है, तो 1.25, 1.2544 होगा, 1.2544 इंटू 3.14 इंटू 4, तो 15.7552, 15.7552, 15.7552 आएगा, 15.7552। लेकिन बच्चों यहां पे कितने डिजिट है सिग्निफिकेंट, 3, तो बच्चों यहां आंसर 15.7 मीटर स्क्वायर, ये एरिया, यही आंसर आपको एग्जाम में लिखना है, ये आपको एग्जाम में लिख के आना है।